हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक न्यू गेम प्ले वीडियो में, जिसका नाम है गोल्ड रश। तो नाम से आप समझ ही गए होंगे कि आज के गेम प्ले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम निकालने वाले हैं भाई सोना, और सोना भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल प्योर 24 कैरेट। तो इस बंदे ने देखो हाथ में जैसे सोना ले रखा है ना, इसी तरह से थोड़ी देर में हमारे हाथ में भी बहुत सारा सोना होगा। तो जल्दी से भाई गेम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक लोड गेम और एक है न्यू गेम। तो आज हम खेलने वाले हैं बिल्कुल न्यू गेम। तो यहाँ पे मैंने न्यू गेम पे दबा दिया है, और यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है इजी, नॉर्मल, हार्ड, और ये वाला लीडर बोर्ड है। तो ये तो अभी ओपन नहीं होगा। तो देखो यार, तुम्हारा भाई ठहरा है एक बहुत ही जबरदस्त वाला प्रो गेमर। तो आज हम खेलने वाले हैं हार्ड मोड। तो हार्ड मोड पे मैंने दबा दिया है, और गेम हमारा लग चुका है लोडिंग पे। अब जल्दी से भाई हम माइनिंग वगैरह शुरू करेंगे, और बहुत सारा सोना हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखते हैं हमें किस तरह से खेलना पड़ेगा और किस तरह से हमारा सोना निकलेगा। यहाँ पे आ चुकी है हार्ड मोड की कुछ इंस्ट्रक्शन, तो ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। इन हार्ड मोड यू विल नॉट यूज एनी हेल्प डेडिकेटेड फॉर न्यू प्लेयर्स। अच्छा, अगर हम हार्ड मोड खेलेंगे ना, तो हम किसी की भी हेल्प नहीं ले सकते। वैसे भी हमें हेल्प नहीं चाहिए यार, क्योंकि हम प्रो गेमर है। There will be higher price, less gold and more manufacturing during the game. You will start with $0. हम $0 से शुरू करने वाले हैं। Before you doing anything else, go to the bank. अच्छा, हमें बैंक में जाना पड़ेगा and take a loan. हमें एक लोन लेना पड़ेगा, उसी के बाद हमारे पास कुछ पैसा आएगा, और उसी के बाद हम कुछ ना कुछ चीजें खरीद पाएंगे, ताकि हम सोना निकाल सके। There won't be much, but it should be enough to start. अच्छा, बाद में देखेंगे यार। तो यहाँ पे एक और सीजन की इंस्ट्रक्शन आ चुकी है, ये भी पढ़ लेते हैं। दी सीजन आ रहे यार, देयर इज मच मोर। चलो यार छोड़ो यार, ये क्या बातें करनी, ये हमें गेम के ही बारे में बताएंगे। वैसे भी हम प्रो गेमर है, तो हमें सारी बातें पता है। ओके, मैं अपने मैप में रिस्पॉन हो चुका हूँ, और यहाँ पे अपने को ये वाली गाड़ी मिली है, और एक अपना ये होटल है जहाँ पे मैं रात को सोया था, क्योंकि मैं कल रात को यहाँ पे जमीन देखने आया था। तो किसी ने बताया था कि उस तरफ एक जंगल है, और जंगल में कोई जगह है, वो हम बाद में देखेंगे, वहां पे बहुत ही सारा गोल्ड है। तो रात को तो मैं वो वाली जगह नहीं देख पाया था, इसलिए मैं ना इस वाले होटल में सो गया, और अभी उठा हूँ। और अभी देखो आप राइट साइड में ऊपर दिख रहा होगा, 9:22 हो चुकी है। अब जल्दी से भाई काम पे लगते हैं, और वो जमीन देख लेते हैं जो कि मेरे को देखनी है, जहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है ना, तो वहां पे चलते हैं। पहले तो हमें गाड़ी में बैठने के लिए ना यहाँ से ई दबाना पड़ेगा। ओके ठीक है, और उन्होंने बोला था कि आपको टैब दबाना है, और टैब दबाने के बाद है ना आपको जर्नल में जाना है, जहां से आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें जाना है बैंक। तो बैंक में जाने के लिए मेरे को मैप खोलना पड़ेगा, और मैप है हमारा यहाँ पे। तो ये वाले यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ये वाली चीज मेरे को बैंक लग रही है, तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं। नहीं नहीं, ये वाली बैंक नहीं है, देखो ये वाली नहीं है, ये तो वेयर हाउस है, और जिसके ऊपर ये डॉलर का निशान है ना, ये बैंक है। तो हमें यहीं पे जाना है, तो अपनी गाड़ी फिलहाल यहाँ पे खड़ी है, और अपनी गाड़ी का मुंह थोड़ा उस साइड है, इस साइड मेरे को यहाँ से घुमानी है, और यहाँ पे जाके इस बैंक पे जाना, जहाँ से हमें लोन लेना पड़ेगा। तो चलो भाई गाड़ी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, जल्दी से गाड़ी को सरकाते हैं। लेकिन यह क्या आ गया, टर्न ऑन इंजन। टर्न ऑन इंजन करने के लिए हमें यहाँ से कंट्रोल खोलने पड़ेंगे। हाँ, एक्स से इसका इंजन ऑन होगा, हाँ ऑन हो गया, और स्पेस से हटेंगे इसके ब्रेक, यानी कि हैंड ब्रेक, और गाड़ी भाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सी से हम ये वाला कैमरा भी कर सकते हैं, और दोबारा सी दबाएंगे तो हम इस कैमरे को ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो गाड़ी भाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है, मस्त साइड में आपको स्पीड भी दिख रही होगी गाड़ी की। तो जल्दी से भाई गाड़ी को लेके चलते हैं अपनी जगह पे। तो हमें यहाँ से जाना, ये क्या भाई आगे तो रास्ता ही बंद हो गया। द मशीन कैन नॉट बी एक्साइट विल इट मूविंग, पता नहीं क्या चीजें हैं। तो आगे तो भाई रास्ता बंद है, इस वाले रास्ते से मैं लेके देखता हूँ, क्या पता ये रास्ता भी वहीं पे जाता हो, क्योंकि मेरे को है ना जल्दी से जल्दी बैंक में जाना है, और वहां से लेना बहुत ही सारा लोन। यहाँ से मैं ले लेता हूँ राइट, ठीक है, और अगर इस वाले कैमरे में चलाएंगे तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी चलेगी गाड़ी, क्योंकि इस वाले कैमरे में है ना बहुत ही अच्छी कंट्रोल होती है। लेकिन फिर आपको व्यू नहीं दिखेगा, तो व्यू दिखाने के लिए मैं दोबारा से इस वाले कैमरे पे ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से हमें गाड़ी को लेके जाना है, और अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, तो एक तो बंद है भाई, चलो ये तो अच्छी बात है, हमें ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी बंद होने के कारण। तो ये वाला रास्ता खुला है, तो हमें इसी रास्ते पे जाना है। चलो चलो, और गाड़ी भाई आराम से चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत ही ज्यादा फिसलती है। तो ये देखो यार कितनी ज्यादा बर्फ है, पूरा का पूरा जितना भी रोड है ना सारे के ऊपर बर्फ जमी हुई है। यहाँ से आगे चलते हैं, और ठीक है, लेकिन ये क्या था भाई, एक मिनट, और यहाँ पे भाई गैस स्टेशन भी है, इसका मतलब इस गेम में हमारी गाड़ी का तेल वगैरह भी खत्म होने वाला है। तो एक बार मैं गैस स्टेशन के ऊपर जाके देखता हूँ, क्या पता हम पेट्रोल वगैरह डलवा सकते हो, और हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल भी अभी आता है। आप राइट साइड में देखो नीचे, तो एक बार यहाँ पे जाके देखते हैं हम फ्यूल वगैरह डाल सकते हैं क्या गाड़ी में। यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ, हैंड ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है लगाने, तो गाड़ी को मैंने ऑन छोड़ दिया। एक बार यहाँ पे जाके देखते हैं हम तेल वगैरह डाल सकते हैं, नहीं वो भाई डाल सकते हैं हम,
ठीक है, मैंने ये देखो तेल वाला रूटर तो उठा लिया, लेकिन है ना मैंने गलत साइड से उठा लिया, इस साइड जाके। एक मिनट भाई, कहाँ से जाऊं मैं, जगह ही नहीं है यहाँ पे जाने के लिए। और अपनी गाड़ी में तेल कहाँ पे डलेगा, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तेल डलने का। एक बार इस साइड जाके देखता हूँ। ओ भाई इस साइड है, तो एक बार मैं दोबारा से गाड़ी में बैठ के हैंड ब्रेक हटा के गाड़ी को उस तरफ लगाता हूँ, उस तरफ हम तेल डाल पाएंगे। और पीछे से पता नहीं किस चीज का शोर आ रहा है, शायद यहाँ पे कोई मंदिर है, घंटी की आवाज आ रही है मेरे को। थोड़ा गाड़ी को आगे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हैंड ब्रेक लगाते हैं और नीचे उतर के यहाँ से ये वाला लीवर उठाना है और यहाँ पे डालना है भाई। अब देखना तेल डलना शुरू हो जाएगा, तो मैं कितना तेल डलवाऊँ, थोड़ा बहुत ही डलवा लेते हैं एक बार। तो अपने को है ना $12 में पूरा 3 लीटर कर लेते हैं, 4 हो गया भाई, 5 कर लेते हैं, 5 लीटर तेल। यू डोंट हैव मनी, क्या यार मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ पे घूमता रहता है, हमारे पास मनी है ही नहीं और मैं तेल डलवाने के लिए यहाँ पे रुक गया। तो चलो पहले तो हमें है ना बैंक से लोन लेना पड़ेगा, उसी के बाद मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा। तो यार बाद में देखेंगे तेल वगैरह वाला सिस्टम, पहले तो बैंक में ही चलेंगे। तो बैंक यहाँ से देख लेते हैं कहाँ पे है, थोड़ा मैं इस तरफ से कर लेता हूँ। और बैंक हमारा कहाँ पे है भाई, बैंक बैंक बैंक। और शायद एक बार मैप खोल के देखता हूँ कि बैंक कहाँ पे है, एक बार हैंड ब्रेक लगाते हैं। और यहाँ पे जाके मैप में मैं हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बैंक के सामने ही रुकी है अपनी गाड़ी। तो मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ और ये रहा भाई अपना बैंक ओल्ड, और इसका नाम क्या है, ओल्ड दिख ही नहीं रहा यार, ग्लैन है पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे चल के अपने को लोन लेना, यहाँ से ई दबाते हैं और लोन लेने के लिए हमें लोन पे जाना है। यहाँ से हमें $250 ही लोन मिल पाएगा, तो यहाँ से हम बढ़ा नहीं सकते क्या? हाँ बढ़ा सकते हैं, हम $500 भी लोन ले सकते हैं। तो हमारे पास आ चुका है $500 और हम दोबारा से लोन नहीं ले सकते, तो हम दोबारा से लोन नहीं ले सकते। पहले है ना हमें यही वाला लोन चुकाना पड़ेगा, उसी के बाद हम नया लोन ले पाएंगे। तो हमने लोन ले लिया है पूरा $500। अब एक काम करते हैं, दोबारा से हमें टैब दबाना है और जनरल पे जाके दूसरा काम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें करना है रेंट ओल्ड आर्नोल्ड प्लेस क्लेम पार्सल क्लेम। अच्छा, हमें जमीन लेनी पड़ेगी, तो जमीन हम कहाँ पे ले पाएंगे, शायद इस वाली जगह पे जाना पड़ेगा, एक बार जाके देखते हैं। ठीक है यहाँ पे तो नहीं मिलेगी, शायद बैंक से ही मिलेगी जमीन। तो एक बार बैंक पे जाके दोबारा से चलते हैं, एक बार यहाँ पे जाके हमें स्टॉक हो गया। तो देखो यार यहाँ पे है ना बहुत सारी जमीन है, ये देखो बहुत सारी, लेकिन मैं इस वाली जमीन के लिए आया हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ये देखो ये मिल रही है हमें लीज पे भी, देखो यार कितने ज्यादा पैसे में मिल रही है, और बाय करने की तो हमारी औकात ही नहीं है। लेकिन हम जिस जमीन के लिए आए हैं ना वही वाली लेंगे, ये भी हम बाय नहीं करने वाले, इसको हम लीज पे लेंगे और लीज पे मिल रही है हमें बिल्कुल फ्री। तो भाई लीज पे ले लेते हैं, ये लो भाई। ठीक है हमने जमीन ले लिया लीज पे और बैंक से हमने लोन भी ले लिया। अब एक काम करते हैं, दोबारा से टैब दबा के एक बार मैं जनरल में जाके देख लेता हूँ हमें तीसरा काम क्या करना है। हमें जाना है गो टू दी वेयर हाउस, उसके बाद हमें यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे। तो एक है होग पेन नो पैम्प एंड होग पेन सुलुइस बॉक्स कोर एंड 2 होग पेन मैट्स एंड बकेट गो टू कैश रजिस्टर। ये तो चलो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हमें ना वेयर हाउस पे जाना पड़ेगा। तो अपनी गाड़ी में फटाफट बैठते हैं, एक बार मैं टैब पे जाके ये भी देख लेता हूँ कि वेयर हाउस है कहाँ पे। ओ भाई यहीं पे है, ये रहा वेयर हाउस। तो एक बार गाड़ी में बैठ के जल्दी से वेयर हाउस पे मैं गाड़ी ले लेता हूँ। मैंने गाड़ी के हैंड ब्रेक हटा दिए हैं और यहाँ पे है शायद वेयर हाउस, नहीं, ये तो नहीं है शायद, मेरे को थोड़ा बहुत आगे जाना पड़ेगा। हाँ आगे जाना पड़ेगा, तो आगे चल के हमें वेयर हाउस दिख जाएगा। ओके ठीक है, मैं वेयर हाउस के पास पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे अपनी गाड़ी को एक बार मैं है ना खड़ा कर लेता हूँ। अरे भाई साहब कितनी ज्यादा फिसड़न है यहाँ पे। तो चलो मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया और इंजन को भी बंद कर देते हैं भाई, बेफालतू में तेल क्यों फूकना। तो यहाँ पे देखो माइनिंग स्टोर, और ये है ना 6 बजे से सुबह रात के 10 बजे तक खुला रहता है, और ये किसी स्टेफन बैटी का है। इसके अंदर जल्दी से मैं अंदर आ चुका हूँ और जल्दी से जो भी अपने को सामान खरीदना है ना वो मैं खरीद लेता हूँ। और जल्दी से यहाँ पे जाके देख लेते हैं हमें क्या क्या खरीदना है। यहाँ पे हमें ना ओग पेन नो पंप और बकेट, बकेट तो भाई अभी देखी थी मैंने, ये रही बकेट, इनको मैं जल्दी से खरीद लेता हूँ। और ये अपने को है ना एक खरीदनी है, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। एक अपने को है ना होग पेन नो पंप चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले चीजें खरीदने से पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है। देखना भाई कितना ज्यादा सामान है यहाँ पे, ये देखो ट्रॉली वगैरह भी है, ये भी सारी चीजें मैं खरीद सकता हूँ। और यहाँ पे ड्रम वगैरह भी रखे हुए हैं, और ये पता नहीं किस चीज के इंजन है, ये शायद माइनिंग के ही इंजन होंगे, इनको भी हम खरीदेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी तो हमें ना छोटे ही माइनर है, तो हम छोटी छोटी चीजें अभी खरीदने वाले हैं।
और यहाँ पे देखो भाई कितना ज्यादा सिस्टम है, यहाँ पे आग बुझाने वाला, यहाँ पे सिलेंडर मिल जाता है, और यहाँ पे देखो डीजल है। ये भी हम एक जेरी कैन खरीद लेते हैं, वैसे भी हमारे काम आएगी, तो ये भी मैं खरीद लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये पता नहीं क्या है, बकेट मैंने खरीद लिया है। और ये देखो भाई ऑयल सुपर, शायद ये मोबिल है, इसकी अभी के लिए अपने को कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपने को जो सामान खरीदना है ना, वो मैं फटाफट यहाँ से खरीद लेता हूँ। और यहाँ पे देखना यार कितना ज्यादा सिस्टम है, सामान है बेचने के लिए। तो हमें शायद ओक पेन मैट भी चाहिए, एक बार जाके देखता हूँ मैं। ओक पेन मैट्स, हाँ दो मैट्स चाहिए मेरे को, तो यहाँ से है ना दो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। और एक अपने को है ना होग पेन नो पंप चाहिए, तो कहाँ पे मिलेगा भाई होग पेन नो पंप? एक शायद ये भी चाहिए ना, देखते हैं एक बार जाके। हाँ सुलुकन कोर चाहिए हमें, ये एक्सटेंशन है, तो ये वाला खरीदना है हमें। ये वाला भी मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। ठीक है, और क्या था? और होग पेन नो पंप, होग पेन पंप अपने को है ना नो पंप वाला खरीदना है, तो इसको भी मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। शायद मैंने सारी चीजें खरीद ली, एक बार देखता हूँ। ओक पेन नो पंप हो गया, ओक पेन सुलुकन कोर हो गया, टू ओक पेन पैंट्स मैट्स हो गए, पैंट्स नहीं भाई, बकेट खरीद ली। और गो टू द कैश काउंटर, ठीक है हमें कैश काउंटर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो कैश काउंटर कहाँ पे है भाई? यहाँ पे है क्या? शायद ये है कैश काउंटर, यहाँ पे ई दबाना है। और ये अपनी सारी की सारी चीजें आ गई, ये अपने को टोटल है ना $204 में मिल रही है। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर कर दिया। यू विल फाइंड ऑल ऑर्डर्ड इक्विपमेंट जस्ट आउटसाइड द स्टोर इन द डेस्टिनेशन। ठीक है ठीक है, जो अपना सामान है ना वो हमें स्टोर के बाहर मिलेगा। तो कहाँ पे है भाई हमारा सामान? ठीक है, हमारा सामान यहाँ पे आ गया है, जो भी मैंने खरीदा। आप जल्दी से यहाँ पे गाड़ी लाके सारा का सारा सामान मैं गाड़ी में लोड कर लेता हूँ। तो ये रही अपनी गाड़ी, इसके अंदर बैठते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, और हैंड ब्रेक हटाते ही हमारी गाड़ी आगे की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। यहाँ से अपने को राइट लेना है, उसके बाद यहाँ से, ओ भाई आराम से, एक ही तो हमारे पास इकलौती गाड़ी है, यही टूट गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार गाड़ी को है ना मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, और हैंड ब्रेक लगा के इंजन कर देता हूँ बंद। जल्दी से नीचे उतर के सारा का सारा सामान मैं लोड कर लेता हूँ गाड़ी में। सबसे पहले ये बड़ी वाली चीज़ है ना, ये क्या है पता नहीं, देखना यार कितनी ज़्यादा बड़ी है, मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा। तो एक बार यार कैसे रखूँ इसको गाड़ी में, यहाँ पे जाके ई दबा देते हैं। एक चीज़ मैंने लोड कर दिया फटाफट, ये वाली चीज़, उसके बाद यही वाली सबसे बड़ी चीज़ है, तो इसको भी मैं एक बार अंदर लोड कर देता हूँ। यकीन नीचे गिर गई भाई। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे जाके और ई दबाते हैं, तो आराम से रखी गई। अब अपना बिल्कुल छोटा छोटा सामान बचा हुआ है, तो ये वाली बकेट है ना, इसको भी मैं जल्दी से यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, और अपनी जो तेल वाली जरिकन है ना, यानी कि डीजल वाली, इसको भी यहाँ पे जाके इसको भी छोड़ देता हूँ यहाँ से। और एक अपने जो ये दोनों मैट है ना, इनको भी यहाँ पे रख लेते हैं। अरे भाई ये कैसे उठा लिया मैंने, चल भाई अंदर पड़ जा। इसको भी उठा के जल्दी से इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो एक बार मैं नीचे चेक कर लेता हूँ गाड़ी से, कहीं मैंने नीचे ना गिरा दिया हो कुछ सामान। तो नीचे तो अपना कोई भी सामान नहीं गिरा। आप जल्दी से है ना गाड़ी में बैठते हैं, और सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी में तेल डलवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा दोबारा मेरे को पेट्रोल पंप पे चक्कर काटने पड़े। और एक जो अपनी जरिकन है ना, इसमें भी मैं डीजल भर लूंगा। तो यहाँ से अपने को इंजन ऑन करके और हैंड ब्रेक हटा के जल्दी से अपने को है ना पेट्रोल पंप पे जाना है। उसके बाद मैं अपनी जो जगह मैंने खरीदी है ना माइनिंग वाली, वहां पे चलूंगा सीधा। तो जल्दी से एक बार पेट्रोल पंप पे जाके तेल डलवा लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ, अब जल्दी से है ना तेल डलवा लेते हैं। यहाँ पे इस साइड मेरे को मुंह रखना है गाड़ी का, और यहाँ पे उतरते हैं, हैंड ब्रेक उठाते हैं एक बार नीचे उतर के। यहाँ से ये वाला लीवर मेरे को उठाना है, और गाड़ी में भाई तेल भर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे चल के ई दबाना है, और हमें डलवाना है, थोड़ा बहुत ही तेल डलवाएंगे। यहाँ पे देखना यार 2.5 लीटर तेल $11 का मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा महंगा भाई, ये तो इंडिया से भी। मैं 5 लीटर तेल डलवा ही लेता हूँ, चलो यहाँ पे चल के, और हम टेढ़ा करके भी भर सकते हैं। तो इसमें है ना 5 लीटर तेल और डाल लेते हैं। चलो अपनी जरिकन को है ना फटाफट उठा के और अपनी गाड़ी में रख लेते हैं यहाँ पे। और जो अपना ये वाला डाला है ना, इसको कर लेते हैं बंद। और यहाँ पे मैंने ये कैसे गिरा दिया, ये अच्छी बात नहीं होती। ये शायद जम गया क्या, देखना भाई, शायद ये बर्फ में जम गया था। इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो अपनी गाड़ी में भाई दोबारा से बैठते हैं, मैंने बहुत ही ज्यादा देर लगा दी। अपनी गाड़ी को वापिस से बैक लेके जाना है, और इसको मैं थोड़ा बहुत घुमा लेता हूँ यहाँ से, और फटाफट अपनी लोकेशन पे चलते हैं, जो कि मैंने अपनी जो जमीन खरीदी है ना वहां पे चलते हैं फटाफट। और वहां पे चल के देखते हैं अपने पास कुछ रहने के लिए भी है या नहीं। यहाँ पे देखना भाई कितनी ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, और साथ में बर्फ भी गिर रही है। वैसे इन्होंने पहले ही बोला था कि भाई गेम में है ना बहुत ही तेज तेज तूफान आ सकते हैं, क्योंकि आपको सोना इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला।
तो अपने को एक बार यहाँ पे चल के, मैंने यहाँ से सारे का सारा सामान उठाया था क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउस है। एक बार मैं मैप खोल लेता हूँ और हैंड ब्रेक लगा देते हैं। एक मिनट रुको भाई रुको, और अपने को है ना एक बार मैप देखना है और अपनी जगह देख लेते हैं कहाँ पे है। तो अपना मैप है यहाँ पे और अपनी जगह है ये वाली, इस वाली जगह पे जाना है। ठीक है, अपनी गाड़ी का मुंह है अभी उस तरफ, तो इस वाले रास्ते से अपने को यहाँ से चल के जाना है। ठीक है, मैं समझ गया। तो अपने को ये वाली रेल की लाइन है ना, यहाँ से अपने को बिल्कुल राइट लेना है। तो चलो यहाँ से चलते हैं। और धुआं देखना भाई अपनी गाड़ी से कैसा निकल रहा है, पीला पीला सा धुआं निकला था अभी। ठीक है, इस वाले रास्ते से मैं आगे जाना है और आगे चल के हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट, और यहाँ से हमें एक और लेफ्ट लेना पड़ेगा। ठीक है। ओ भाई पीछे से भेड़िए की आवाज़ आई यार अभी अभी, तो शायद अपना एरिया सामने दिख चुका है। और गाड़ी देखना कितनी ज्यादा फिसल रही है यहाँ पे, शायद यही है क्या अपने माइनिंग वाला एरिया, एक बार जाके देखते हैं। और एक मिनट रोक के मैं मैप खोल के देखता हूँ। तो अभी हूँ मैं, कहाँ हूँ भाई मैं, यहाँ पे हूँ। नहीं, अपने को यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से अपने को सीधा जाके लेफ्ट लेना है। अभी अपनी गाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, अपने को आगे चल के लेफ्ट लेना है। ये तो शायद किसी की फैक्ट्री है, और फैक्ट्री इतनी बड़ी है देखना भाई, कोई भी बंदा यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा, ना बंदा है ना बंदे की जात है यहाँ पे। यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट लेने के बाद हमें थोड़ा और घुमाना है। चलो भाई चलो, जल्दी जाना पड़ेगा मेरे को क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे है ना तूफान आने की संभावना हो चुकी है। वैसे तो बहुत तेज तेज से पहले ही हवा चल रही है, और तूफान आ गया तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, क्योंकि पहले तो अपने को है ना सिर छुपाने के लिए जगह देखनी पड़ेगी। तो अपने को यहाँ पे जाना है। और क्या हो गया भाई गाड़ी को? ठीक है, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। एक बार दोबारा से मैप खोलते हैं और देखते हैं यही वाली जगह है क्या अपनी। तो अपनी गाड़ी यहाँ पे है, यहाँ से अपने को जाना है वैन के पास, और आगे जली हुई है आग और यहाँ पे है पानी। ठीक है, हमें बिल्कुल सीधा जाना है। तो ये वाला सारा का सारा अपना ही एरिया है, जितना भी आपको अपनी आंखों से दिख रहा है ना, ये सारा का सारा मैंने लीज पे ले लिया है। और अपने को एक बार है ना जहाँ पे आग जला रखी है ना वहाँ पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे गाड़ी को रोकते हैं और हैंड ब्रेक लगा के इंजन बंद करते हैं, और नीचे उतर के आपको मैं दिखा देता हूँ कि अपने को रहने के लिए क्या मिला है। अपने को रहने के लिए यहाँ पे एक टेंट मिला है जो कि अंदर से बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। वैसे यहाँ पे चाय बनाने के लिए यहाँ पे एक टोपिया रखा हुआ है, और एक सिलेंडर भी है, और यहाँ पे एक छोटे वाला सिलेंडर भी है, मुसीबत में काम आएगा। और यहाँ पे अपना एक बैग है, और ये अपना शायद कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ से भी हम ट्रांसपोर्ट वगैरह और मशीन स्टोर वगैरह, यहाँ से मशीन वगैरह भी खरीद सकते हैं। इसको यहाँ से एक बार शट डाउन करते हैं, और यहाँ पे हमें मिल जाती है एक चेयर, और यहाँ पे कुछ आइटम है जो कि हमारे काम आएगा माइनिंग में। एक बार जल्दी से बाहर चलते हैं और देखना भाई कितना ज्यादा तूफान आ रखा है। और यहाँ पे ये वाली जो वैनिटी वैन बना रखी है ना, इसके अंदर हम सो सकते हैं। तो यहाँ पे जाके ये देखो हम सो सकते हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं सोना, अभी हमें करना बहुत ही ज्यादा काम। तो यहाँ पे आग जल रही है, एक बार तो मैं बहुत ज्यादा ठंड में आया हूँ, तो पहले यहाँ से हाथ सेक लेते हैं थोड़े बहुत, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। ठीक है, मैंने 10-15 मिनट हाथ सेक लिए, अब जल्दी से है ना एक बार अंदर चल के मैं दिमाग को यार थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। वैसे तो बोलते हैं दिमाग को ठंडा कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को गर्म करना है। एक बार यहाँ पे आके मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, तो अपने को टैब दबा के एक बार देख लेते हैं कि क्या करना है। ठीक है, हमने ये 5 तो पूरे कर लिए इस वाले पेज पे, अब हमें क्या करना, गो टू द क्लेम, फाइंड ओग पेन एरिया। ओके, सेटअप ओग पेन। ठीक है, यूज शोवल टू फिल दी ओग पेन विथ डर्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, हमें है ना इस तरह का कोई सेटअप करना पड़ेगा, और ये वाला सेटअप करने के लिए है ना हमें कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, और वो जगह है होग पैन एरिया। और होग पैन एरिया वाली जगह है ना, अपने को एक बार टैब दबा के और मैप में जाके, ये देखो अभी हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को होग पैन एरिया कोई भी जगह नहीं दिख रही, शायद ये वाली होगी क्योंकि यहाँ पे देखो होग पैन एरिया लिख रखा है। तो अपने बिल्कुल राइट साइड में है, नहीं लेफ्ट साइड में शायद, एक बार चल के देखता हूँ। ये देखो भाई सामने लिख भी रखा है ओग पेन एंड डिग साइट। ठीक है ओके, हमें यहीं पे शायद सारी की सारी चीजें लगानी पड़ेंगी। ज्यादा देर ना करते हुए ना मैं सारी की सारी एक बार चीजें यहाँ पे लगा देता हूँ। अपनी गाड़ी कहाँ पे गई भाई? यहाँ से मैं जा सकता हूँ ना? हाँ जा सक नहीं हाँ जा सकता हूँ। तो यहाँ पे अपनी जितनी भी सारी चीजें मैं लेके आया हूँ ना मार्केट से, वो सारी की सारी मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप कर लेते हैं माइनिंग के लिए। यहाँ से अपने को ये वाली चीज उठानी है, और ये वाली है ना इतनी गंदी चीज है, मेरे को कुछ भी दिखने नहीं देती यहाँ से। और ये पता नहीं कहाँ पे अटक गई, देखना भाई कहाँ पे अटक गई।
ठीक है, यहाँ से चल के हमें एक तो इसमें है ना, दिखता नहीं यार, ये वाली चीज लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को ऐसे उठा के ऐसे ऐसे मुंह करना पड़ता है। ठीक है, और इसको करना है यहाँ पे सेटअप। चलो भाई, अपनी एक चीज तो सेटअप हो गई, अब जल्दी से जितना भी मैं सामान लेके आया हूँ ना, सारा का सारा सेटअप कर देते हैं, और अब लगा देते हैं ये वाली चीज। ठीक है, इसमें भी कुछ खासा दिख नहीं रहा, ये अटक क्यों जाता है यार, देखना। ठीक है, इसको भी इस वाले रास्ते से लेके जाना है, और इसको भी यहाँ पे कर देते हैं फिट। अब जितनी भी चीजें बची है ना, अब सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और अब तो बचा ही क्या भाई, बस मैट बचे हैं, तो मैट लेने के लिए मैं कैसे चढ़ूं भाई पिकअप के ऊपर। चढ़ जा भाई, चढ़ जा। ठीक है, चढ़ गया, और यहाँ से अपने को ये वाला मैट उठाना है और बाल्टी में डालना है, शायद बाद में डालना होगा। एक बार यहाँ पे जाके जो अपने को मैट लेके आए ना, इनको भी यहाँ पे लगा देते हैं, और अभी बस अपने को एक मैट और लगाना है और हमारा काम हो जाएगा शुरू। तो फटाफट यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे इस वाले मैट को भी उठा लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, हमारी सारी की सारी चीजें फिट हो गई हैं, और यहाँ पे ये वाला बक्सा है ना, इसके ऊपर देखना गोल्डन रिट्रीवर लिखा हुआ है, शायद कोई कुत्ते की नस्ल होती है, और यहाँ पे शायद कंपनी का नाम भी यही होगा। तो अब देखो, अपनी सारी चीजें ओके हो गई, अब जल्दी से हमें टैब दबा के देख लेते हैं कि अब हमें क्या करना है। ये देखो, सेटअप हो गया हमारा, 8 चीजें हमने पूरी कर ली, और 9वीं चीज है यूज सावल टू फील दी होक पैन विथ डर्ट। अब सावल कहाँ से लाए भाई, सावल सावल वो खोदने वाला ही होता है ना, तो एक बार देखते हैं, शायद हमारे टेंट में सावल मिल जाए। यहाँ से चल के अपने को सावल ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे तो मेरे को कहीं पे भी नहीं दिख रहा भाई सावल, आपको दिख रहा हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, यहाँ पे तो कोई सावल नहीं है, एक बार मैं इधर उधर भी नजर मार के देख लेता हूँ। ओहो, मिल गया भाई सावल, मैंने वैसे ही दो दबाया और सावल हमारे हाथ में आ गया। यहाँ से देखो, अपने को है ना बहुत सारी चीजें यूज करने के लिए मिल जाती है, जो जैसे 2 पे सावल है, 3 पे फ्लैशलाइट है, 4 पे स्मॉल सावल है, 5 पे ये वाली मशीन है ड्रिल वाली, और 6 पे हमें मिल जाता है पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है, और ये भी पता नहीं क्या है। तो हमें सावल चाहिए, तो 2 दबाते हैं और फटाफट अपनी साइट पे चलते हैं जहाँ से हम सोना निकालने वाले हैं। यहाँ से हमें इसके अंदर मिट्टी डालनी है, और यहाँ पे देखो बता देगा, ये फुल होने के बाद है ना पूरा 100% हो जाएगा, उसके बाद हमें मिट्टी नहीं डालनी। यहाँ पे मिट्टी को खोदते हैं और इसके अंदर फटाफट भर देते हैं इसको। वैसे सोना निकालना है ना यार, इतना ही आसान होना चाहिए जैसा कि इस गेम में है, मैं बहुत सारा सोना कलेक्ट कर लूंगा भाई। यहाँ पे देखो, फुल हो गया है, इट्स ऑलरेडी फुल, यू आर लूजिंग द पेडल। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि टैब दबा के देख लेते हैं अब हमें क्या करना है। मिट्टी हमने डाल दी है, और इस पेज को हमें पलटना पड़ेगा, तो वाश दी डर्ट इन दी होक पैन। ठीक है, अब हमें बाल्टी लेके आनी है, बाल्टी में यहाँ पे देखो प्लस का निशान है, यहाँ पे पानी डालना है, और पानी को फिर हमें इसमें डालना है। ठीक है, उसके बाद वाश दी मैट्स इन बकेट। ओके, फिर बाल्टी को है ना पानी से भरना है, और जो ये मैट है ना इनको पानी में डुबोना है। तो यह सारी की सारी चीजें करने वाले हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आज की वीडियो में बस इतना ही, वैसे तो मैं वीडियो को और भी लंबी बढ़ा सकता था, लेकिन यार ज्यादा लंबी वीडियो बनाने से मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो, तो आज की गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।